नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं रेनु प्रीति। हम मौजूद हैं राजधानी देहरादून में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में। यह सेमिनार हर वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि नाबार्ड द्वारा तैयार स्टेट फोकस पेपर पर आधारित होता है। तो आइए आपको भी ले चलते हैं स्टेट क्रेडिट सेमिनार में। राजधानी देहरादून में 3 जनवरी को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि मंत्री गणेश जोशी व सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। इसके साथ ही कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुमार, क्षेत्रीय निदेशक RBI लता विश्वनाथ व अन्य विभागों के विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे। इस दौरान मंच में आसीन सभी अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सेमिनार में साल 2023 से 2024 के लिए नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर का विमोचन राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। नाबार्ड द्वारा साल 2023 से 2024 हेतु उत्तराखंड राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में 30,301 करोड़ ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 6.22% अधिक है। इस दौरान उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां एवं कृषि जलवायु विभिन्न कृषि एवं औद्यानिक फसलों के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्यानिकी के समग्र विकास में नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं से कृषकों की आय में वृद्धि तथा राज्य की आर्थिकी में विशेष योगदान मिलेगा। ये स्टेट सेमिनार है या सिर्फ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या ग्राम विकास का सेमिनार है, क्योंकि जितने भी बिंदु लिए गए अभी तक एग्रीकल्चर से संबंधित थे, हॉर्टिकल्चर से संबंधित थे, ग्राम विकास जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात है, जन ग्रुप की आपने बात की, उनसे संबंधित थे। और वास्तव में आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान की आय की दुगने करने की बात करते हैं, उसमें चाहे किसी बाग हॉर्टिकल्चर का योगदान हो, उसमें हमारी समूह की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहां मेरे पास है, 50,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं, जिसके माध्यम से 6,00,000 से अधिक बहनें उससे जुड़ी हुई हैं और वे अपना रोजगार कर रही हैं। तो देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर सकता है तो 12-14 घंटे का काम हम भी कर सकते हैं ना। ये 10 से 5 में जाना है, टाइम पूरा करना, जब तक हम वर्क कल्चर नहीं लाएंगे हम कितनी भी तकनीक हम लेकर आ जाए, केंद्र सरकार कितनी भी मदद हमारी कर दे, नाबार्ड से हम कितनी भी मदद ले लें, हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। और बिना जन सहभागिता के इतिहास का अगर आप देखें, कोई भी अचीवमेंट है, कोई भी आंदोलन बिना जन सहभागिता के पूरे नहीं हो सकते। हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में अपने बच्चों को दुगना करेंगे। इसलिए हमने कहा कि हम, मैंने एक दिन पूरे प्रदेश के 300 किसानों से लगभग 9 घंटे लगातार बातचीत की,
बात खत्म हो जाएगा। देखिए आप कितने भी बड़े वैज्ञानिक हो सकते हैं लेकिन जो हमारा किसान खेत में काम कर रहा होता है उससे ज्यादा नॉलेज आपको हमको नहीं हो सकता। वो मौसम देख कर बता देता है कि बारिश होने वाली है क्योंकि उसका इतना अनुभव हुआ है काम करते हुए। तो हमने कहा हम प्रदेश के विकास में किसान की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। हमने कहा कि हम एप्पल के क्षेत्र में आज हिमाचल और जो कश्मीर की जो मोनोपोली है हम ये नहीं कह सकते कि हम उसको समाप्त कर देंगे लेकिन हम जरूर कह सकता हूं कि जिस ध्येय के साथ हम काम कर रहे हैं हम 25% अपने प्रोडक्शन को दोगुना करेंगे। यह हमारा संकल्प है। नाबार्ड को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं कि नाबार्ड हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा काम कर रहा है और जब भी हमको कोई दिक्कत होती है हमारे कोऑपरेटिव बैंकों को लोन की समस्या होती है तो तुरंत हम नाबार्ड से बात करते हैं और हमको पैसा मिल जाता है। हम अपने स्टेट में लगभग 1500 करोड़ रुपये नाबार्ड की तरफ से खर्च करते हैं। इस बार अभी हम लोग लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं लेकिन मार्च तक हम इसको पूरा कर लेंगे। और हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे भी सरकार का है नाबार्ड का भी है कि हम लोग अपने स्टेट में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और आर राहुल जी ने भी कहा कि MSME का निबंध के आज किसानों पे ज़्यादा बात करनी है। देश का एक पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि 7.25 लाख किसानों को 0% पे निबंध दे चुका है। हम लोग 4300 समूह को भी 5-5 लाख रुपये ऋण दे चुके हैं और कम से कम 3000 वीडियो हमने बनाए हैं कॉपरेटिव विभाग जिससे किसान क्या है दुगुनी 3 गुना भी कई बार किसानों का है। तो इसको हम एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं कि भाई पहले किसान की क्या स्थिति थी और अब जब हमने उसको 0% पे ऋण दिया 1 लाख रुपये दिया 2 लाख रुपये दिया 3 लाख रुपये दिया तो अब किसान कहाँ खड़ा है। इसके लिए हमने बहुत सारे जो है एक उनको किसान के वीडियो भी बना रखे। दूसरा हम अपने प्रदेश में घस्यारी कल्याण योजना लाए। हमारे जो 6 लाख महिलाएं हैं वो जंगलों में घास काटने जाती थी और आप सबको पता है कि क्या क्या दिक्कतें होती लेकिन जब हम कशहरी कल्याण योजना लाए तो 2 रुपये में घर तक जो है सैलेज देने में हम सफल हुए हैं कॉपरेटिव विभाग से और हमारा जो एग्रीकल्चर विभाग है नाबार्ड की तरफ से। और मैं कह सकता हूँ कि इस समय हमारे राज्य में 1,72,000 जो महिलाएं हैं वो इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं और अब हमने पूरे स्टेट में इसको लागू कर दिया है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस साल लास्ट तक हमारे राज्य में लगभग 5 लाख से ज़्यादा महिलाएं शादी कल्याण योजना से क्या हो जाएगी आचार्य हो जाए। मेरा कृषि मंत्री जी से एक निवेदन है कि एक दिन कृषि मंत्रालय विज्ञान मंत्रालय पशुपालन मंत्रालय डेयरी मंत्रालय और कॉपरेटिव मंत्रालय और वन मंत्रालय और बीसी साहब और पंतनगर के बीच से और नाबार्ड एक नाम है जो किसानों से संबंधित लोग हैं या मंत्रालय है एक नाम है कृषि मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक करें और ये तय करें उस दिन कि हमारा 2025 तक का रोड मैप क्या है और नाबार्ड एक प्रेजेंटेशन दे दें उसको कि हमारा कौन कौन सा गैप है उस गैप को हम कैसे पूरा करें। तो मुझे लगता है कि बड़ा काम हो जाएगा। इस स्टेट क्रेडिट सेमिनार का मुख्य उद्देश्य राज्य के लिए साल 2023 से 2024 हेतु अंकित की गई जिलावार समेकित ऋण संभावनाओं पर गहन चर्चा करना था जिसका उद्देश्य उत्तराखंड का विकास करना हो राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो व शहरी इलाकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़े। नाबार्ड की तरफ से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन यहाँ पर किया गया जिसके तहत
जिला स्तर पर उत्तराखंड में जितने भी हमारे पोटेंशियल लिंक्ड प्लान बनी थी उसको एग्रीगेट करके हमने स्टेट क्रेडिट प्लान को स्टेट फोकस पेपर के रूप में प्रस्तुत किया है और इसमें आने वाले वर्ष में ऋण की क्या क्या संभाव्यताएँ हैं, उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या कार्य प्रणाली होनी चाहिए और उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे की क्या आवश्यकता है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, उन सब पे विचार विमर्श हुआ। इसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई और साथ में हमारे कृषि मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों ने भाग लिया। साथ ही साथ इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे रीजनल डायरेक्टर, SLBC के संयोजक और विभिन्न सचिवों ने भी इसमें भाग लिया और साथ ही साथ जितने भी हमारे बैंक्स हैं और लाइन डिपार्टमेंट्स हैं स्टेट उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के, उन सब ने प्रतिभाग किया और इसमें भरपूर चर्चा हुई। नाबार्ड की तरफ से आने वाले वर्ष के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो क्रॉप लोन की बात हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की बात हो एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर MSME सेक्टर में या अदर प्रायोरिटी सेक्टर में क्रेडिट की व्यवस्था हो बैंकों के माध्यम से, उस पर चर्चा हुई और हमने इस अगले साल के लिए 30,301 करोड़ का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लक्ष्य रखा है और उसके तहत हमने कृषि के लिए 45%, MSME के लिए 41% और अदर प्रायोरिटी सेक्टर के लिए 14% का इसमें भाग दिया है और हमें उम्मीद है कि बैंकों के सहयोग से, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनके सहयोग से हम अगले साल के इस टारगेट को पूरा करेंगे और जो जो इसमें मुद्दे निकल कर आए हैं उनको हम आगे चल के विभिन्न विभागों के साथ, सरकार के साथ और बैंकों के साथ मिलकर के उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि राज्य के सतत विकास के लिए जो भी प्रयास हम कर रहे हैं उसका अच्छी तरह से आउटकम जो है हमारे प्रदेश में आए और हम राज्य को आगे ले जाएं। इस खास मौके पर CM पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड में इस साल 30 करोड़ से अधिक की ऋण योजना तैयार की गई है जो कि हमारे किसानों, बागवानी व छोटे छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगी। वहीं उन्होंने ऋण लोन या क्रेडिट को सही और जरूरतमंद लोगों को सबसे सरलता से पहुंचाने में बैंकों की भूमिका को अहम बताया। मैं नाबार्ड के जो हमारे अधिकारीगण हैं और हमारी राज्य सरकार दोनों मिलकर जो लोगों ने अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि जो जितना हमने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को ठीक प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक प्रकार से उस लक्ष्य पर बढ़ रहे हैं, तो उनको अगर और भी अधिक ऋण की आवश्यकता हो तो और अधिक ऋण दिया जाना चाहिए, आपकी तरफ से दिया जाएगा। हमारी राज्य सरकार भी इस प्रकार की व्यवस्था करे, जो लोग तेज़ी से अपना उपयोगिता सर्टिफिकेट दे रहे हैं, उपयोगिता का जो है प्रमाण पत्र दे रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए बैंकों को भी कहीं ना कहीं मिशन मोड में काम करना होगा। कई बार इतनी सारी औपचारिकताएँ हैं, उन औपचारिकताओं के कारण से हम लोगों को जो लोग ऋण लेने के लिए आते हैं उनको बहुत भटकना पड़ता है और यह भी कहीं ना कहीं ज़रूरतमंद लोगों के लिए जो उसकी औपचारिकताएं हैं वो थोड़ा सरल हो जाए। मैं बार बार कहता हूं और पिछली बार भी इसी हॉल के अंदर हम लोगों ने बैठक करी थी SLBC की, राहुल जी आप थे, तब भी मैंने कहा था कि क्योंकि हमने सरकार की तरफ से ये कोशिश करी है, ये प्रयास किया है कि हम सरलीकरण को लेकर जाएं, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इन मंत्रों के आधार पर हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो बैंकों से भी हम इस प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि बैंक भी मिशन मोड में आकर इन कामों को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। नाबार्ड की जो ऋण योजना है इसके लिए आवंटन का प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के सामने काम करना होगा और उस पर अगर काम करेंगे कि भाई एक हमने टारगेट सेट कर लिया है तो कहीं ना कहीं इससे हम और अधिक लोगों को लाभ दे पाएंगे।
एक हमारी कृषि के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में और उद्यान के क्षेत्र में काम करने वालों के उनके बीच में एक हम लोगों ने एक सेमिनार आयोजित किया था, तो उसमें भी जितने लोग बाहर से आए थे उन सभी ने यहाँ पर मतलब अनेकों संभावनाओं को हम सब के सामने रखा और उनका मत था कि डेयरी और पशुपालन के डेयरी के क्षेत्र में लगभग 1.5 से 2 हज़ार करोड़ रुपए का जो है हमको कहीं ना कहीं बाहर से चीज़ों को आयात करना है, तो उस दिशा में हम विशेष रूप से ध्यान देंगे। इसलिए हमारी सरकार ने भी राज्य में इन क्षेत्रों में विशेष कार्य करने का फैसला किया है। सेक्टर वाइज हम लोग इस पर मीटिंग भी कर रहे हैं, सेक्टर वाइज इस पर काम भी कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस कार्य में हमारी सरकार को आपका सहयोग अवश्य मिलेगा। और पिछले दिनों एक काम जो माननीय मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ का जो मोटा अनाज जिसको मड़वा के रूप से हम लोग सब लोग जानते हैं, उस मड़वा को जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर लिया है और कहीं ना कहीं हमारे बैंकों को, हमारे विभागाध्यक्षों को इस ओर विशेष ध्यान देकर, क्योंकि मड़वा उत्पादकों के लिए और उसका आगे विपणन के क्षेत्र में आगे करने के लिए कहीं ना कहीं हम विशेष रूप से इस पर ध्यान देंगे, तो एक बड़ा काम जो भारत सरकार ने किया है। और अच्छी बात यह है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किए जाने का जो प्रस्ताव भारत सरकार ने किया था उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा भी अपनी सहमति प्रदान की गई है। मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि वो उन्होंने एक ऐसे ऐसे प्रस्ताव दुनिया के सामने रखे हैं जिसको पूरी दुनिया मान रही है। कहीं ना कहीं भारत जो हमारा सांस्कृतिक एक राष्ट्रवाद था, सांस्कृतिक विकासवाद था, वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, तो इस दिशा में हम सबको भी काम करना होगा। कार्यक्रम में स्टेट पेपर फोकस की विशेषता पर जोर देते हुए बताया कि ये राज्य सरकार की नीतिगत पहलों पर और साल 2023 से 2024 के लिए बजट की प्राथमिकताओं के निर्धारण में उपयोगी होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के साथ साथ बैंकरों को भी साल 2023 से 2024 के लिए अपने प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने में मदद करेगा। प्रदेश के गठन के बाद 2001 में नाबार्ड ने देहरादून में अपना क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया। इसके साथ ही हमने 9 जिलों में अपने जिला विकास प्रबंधक, जो क्षेत्र स्तर पर हमारे प्रतिनिधि रहते हैं, उनको बनाया। हमारे सभी जिला विकास प्रबंधक प्रदेश के सभी जिलों में सभी बैंकों से बात करके, सभी लाइन डिपार्टमेंट से चर्चा कर एक पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान, यानी आने वाले वर्ष में अनुमानित ऋण कितना हो सकता है, वो PLP डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। हम राज्य स्तर पर प्रदेश के 13 जिलों की 13 PLP मिला के उनके अनुमान जोड़कर स्टेट फोकस पेपर, यानी पूरे प्रदेश में अगले वर्ष कितना ऋण अनुमानित हो सकता है, हमारे पास कितने संसाधन उपलब्ध हैं, हमारे प्रदेश में कृषि क्षेत्र में, माइक्रो एंटरप्राइज, स्मॉल एंटरप्राइज क्षेत्र में या अदर प्रायोरिटी क्षेत्र जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, उस क्षेत्र में कितनी ऋण की संभावनाएं हो सकती है, ये स्टेट फोकस पेपर उन सभी संभावनाओं को दर्शाता है। तो आज का जो स्टेट क्रेडिट सेमिनार है वो वर्ष 2023-24 के लिए उत्तराखंड राज्य में सभी बैंकों के माध्यम से पूरे प्रदेश में कितना ऋण प्रायोरिटी सेक्टर, जो RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार 40% कुल ऋण का होना चाहिए, उस प्रायोरिटी सेक्टर में कितनी संभावनाएं 2023-24 में हैं, उस पर ये आज का स्टेट क्रेडिट सेमिनार है।
आज का स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने शिरकत की और विशिष्ट अतिथि के तौर पर माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और माननीय कृषि मंत्री गणेश जोशी जी ने भी शामिल हुए। ये हर साल एक हमारा कार्यक्रम रहता है जिसमें कि जो स्टेट फोकस पेपर है, जैसे कि आपको प्रेजेंटेशन में जो आज किया गया उसमें भी बताया गया कि ज़िलेवार जो पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान बनता है उसी को कंपाइल करके स्टेट फोकस पेपर बनाया जाता है। और ये उत्तराखंड ही नहीं, सभी राज्यों में होता है। इट्स एन ऑल इंडिया एक्सरसाइज और इसमें जो आपकी बैंकर्स हैं वो एनुअल क्रेडिट प्लान बनाते हैं और जो लोन प्रोसेस होता है तो उसके लिए टारगेट्स दिए जाते हैं। सो इसी के आधार पर रहता है। और ये जो पोटेंशियल है वो जो हमारा राज्य है उत्तराखंड, उसमें जो हमारे अनेक जो विभाग हैं उनके द्वारा जो डेटा जारी किया जाता है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि नाबार्ड के कई इंटरवेंशंस हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हों, चाहे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हों, तो इन तमाम इंटरवेंशंस में जो हमारी सहभागी संस्थाएं हैं उनके फीडबैक को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारा प्रयास है और हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी पार्टनर एजेंसीज हैं वो इसके इम्प्लीमेंटेशन में हमें सहयोग देंगी। तो आज राजधानी देहरादून में स्टेट क्रेडिट सेमिनार में वित्तीय वर्ष के लिए उत्तराखंड राज्य के स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। नमस्कार।